नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। देश में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत ही जल्द गवर्नमेंट एक चेंज ला सकती है। देश का नाम इंडिया शब्द से हटाकर भारत कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट के मुताबिक। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन रखा है सितंबर 18 से 22 तक, 5 दिन का। अब इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन चीजें होने वाली है? लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि गवर्नमेंट देश का नाम इंडिया से भारत कर देगा, मतलब कि देश को भारत के नाम से बुलाया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखो तो इंडिया और भारत दोनों आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल नाम है वो पूरी तरह से भारत कर दे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो हर एक मीडिया सोर्सेस में ये बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट का 5 दिन का स्पेशल सेशन होने वाला है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, उसमें हो सकता है कि शायद हमारे देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाए। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखोगे तो उसमें आर्टिकल 1 है, उसमें हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है उसकी बात करी गई है। फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यहाँ पर दोनों शब्द है इंडिया और भारत। लेकिन शायद स्पेशल सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करके शायद इंडिया शब्द हटा दिया जाए। अब ये किस तरीके से किया जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है। अब ये अचानक से ऐसा अनुमान क्यों लगाया जा रहा है? तो 9th और 10th सितंबर को G20 समिट होने वाला है और दुनिया के सभी कंट्रीज के लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं दिल्ली में। तो 9th सितंबर को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो सभी लीडर्स को डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। यहाँ पर आप इनविटेशन लेटर में देख सकते हैं। तो जब भी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी इन्विटेशन जाता है तो हेड में लिखा होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो ये पहली बार हुआ है कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये लेटर हेड जब सबके सामने आया मीडिया में, उसी समय ये अनुमान लगाया गया कि बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इसका नाम है ये चेंज करने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली आप ओपोजिशन पार्टी की तरफ देखे तो उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया। और ओपोजिशन पार्टी के लीडर ने यहाँ पर लिखा है कि न्यूज वास्तव में सही लग रही है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से इनवाइट गया है G20 डिनर के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का यूज किया है। इसलिए जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या बोला जाएगा? क्या ऐसा बोला जाएगा कि भारत दैट वाज इंडिया? तो ऐसे वो बीजेपी के ऊपर विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इंडिया की हिस्ट्री डिस्टोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कांग्रेस पार्टी के लीडर है जिन्होंने आर्टिकल 52 का एग्जांपल दिया और सवाल उठाया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 है, उसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाएगा? अब ये तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कैसे हो गया, पहली बार ये लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ऐसा कैसे हुआ? अब ये कब से चल रहा है? तो ये कई टाइम से चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी पेटिशन डाला गया था, फिर पार्लियामेंट में भी डिमांड गई थी। और आरएसएस के चीफ है मोहन भगवत जी, उन्होंने भी इसको लेकर कई बार आवाज उठाई है कि हमें इंडिया के बदले भारत शब्द का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि कई सदियों से हम भारत शब्द का ही यूज कर रहे थे। वो तो आगे जाके ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इस प्रकार से इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। और पीएम मोदी का भी सेम ही सेंटीमेंट है। जब 15 अगस्त 2022 में रेड फोर्ट से पीएम मोदी ने स्पीच दी थी, तब उन्होंने सिटीजन्स को अपील करी थी कि 5 प्लेजेस ले, जिसमें से एक थी गुलामी के हर निशाने से आजादी। तो इसे देश की आइडेंटिटी को अपनाने की दिशा में देखने के लिए एक जेस्चर सिंबल माना गया। प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का जो एयरप्लेन होता है, जो फॉरेन जाते हैं ट्रिप के लिए प्लेन में, उसमें पहले भारत शब्द नहीं लिखा होता था, और अब आप देखोगे तो भारत शब्द भी देखने को मिलेगा। अब पार्लियामेंट का लास्ट मॉनसून सेशन था, उस समय बीजेपी राज्यसभा के एमपी नरेश बंसल जी है, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन में से इंडिया शब्द हटाने की डिमांड करी थी, क्योंकि वो सिंबलाइज करता है स्लेवरी को। अब भारत और इंडिया की हिस्ट्री क्या है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है और इसका डिबेट हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल डायनेमिक्स के रूप में देखोगे, लंबे समय से इसका डिबेट चलता आ रहा है। कई लोग कहते हैं इंडिया शब्द एक यूनिटी को दिखा रहा है, हर जगह हम भारत शब्द का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इंडिया शब्द का यूज करना चाहिए। और कई लोग कह रहे हैं कि हमें भारत शब्द यूज करना चाहिए। भारत शब्द एक एंशिएंट ओरिजिन का है और ये वेरियस हिंदू स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि महाभारत,
भारत, मनुस्मृति। भारत शब्द का यूज एक फिजिकल लैंडमार्क के बजाय सोशियो कल्चरल एंटिटी के तौर पर भी किया जाता है, लेकिन इंडिया शब्द इंडस रिवर से आता है जिसने हमारे अर्ली सिविलाइजेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। ग्रीक हिस्टोरियंस द्वारा इस टर्म को पॉपुलराइज किया गया था और ब्रिटिशर्स ने इंडिया शब्द को एडोप्ट किया, इसी वजह से इंडिया शब्द ज्यादा पॉपुलर है। क्रिटिक्स का आर्ग्यू यही है कि इंडिया कॉलोनियल लेगेसी रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए हमें ये चेंज करके भारत शब्द यूज करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने भी 2014 में लोकसभा में एक बिल प्रपोज किया था कि आर्टिकल 1 में कुछ चेंज करना चाहिए, इंडिया शब्द से हिंदुस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया शब्द स्लेवरी का सिंबल देता है, लेकिन उसका बिल भी पास नहीं हुआ था। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया था, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हमें कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका ओपिनियन क्या है? क्या इंडिया को बदल के भारत शब्द यूज करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।